बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में दो जगह आतंकी हमले हुए हैं। आतंकियों ने शोपिया में पूर्व सरपंच की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने दो पर्यटकों को भी निशाना बनाया। दोनों पर्यटक जयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में दो जगह आतंकी हमले हुए हैं। आतंकियों ने शोपिया में पूर्व सरपंच की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने दो पर्यटकों को निशाना बनाया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, और दोनों ही पर्यटक जो हैं वो जयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल पूरे इस मामले की जा रही है। लेकिन कश्मीर में एक ही घंटे में दो आतंकी हमले। सबसे पहले शोपिया की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों ने वहां के पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने पूर्व सरपंच एजाज शेख को 10 गोलियां मारी थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एजाज शेख बीजेपी से भी जुड़े हुए थे। हमले की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों की टीम उस इलाके में पहुंची और पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देखिए पूर्व सरपंच की गोलियों से भूनकर जो है हत्या कर दी गई। और यह आतंकी हमला बताया जा रहा है, एक ही घंटे में दो जगह जम्मू में यह आतंकी हमले हुए। शोपिया में यह आतंकी हमला जिसमें पूर्व सरपंच की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। और बताया जा रहा है पूर्व सरपंच जो थे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। हम सोने लगा, सोते के बाद 5 मिनट हो गया, हमारे मकान के साथ है टीन का देवा, वहाँ पर जिस तरफ टीन को बजाता है ना, इसी तरफ हो गए। मैंने अपनी बीवी को बोला कि आप नज़र मारो, वो उसने खिड़की खोला, नज़र मारा, वहाँ पर उसने दूसरी साइड से आवाज़ सुनी। फिर हम बाहर निकल था, इसके घर गए, यहाँ किचन में पड़ा था। फिर हमने किया काम, उधर से उठाया, लिया थानेपुर, थाने से वापस आया, फिर यहाँ हॉस्पिटल में थे, मगर ये वहीं से रहते। तो पूर्व सरपंच की हत्या के बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा फैल गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रखे हैं और आतंकियों की तलाश की जा रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूर्व सरपंच की हत्या के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल वहां पर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल की जा रही है। शोपिया में पूर्व सरपंच की हत्या की गई। तो अनंतनाग में आतंकियों ने दो पर्यटकों को निशाना बनाया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। दोनों पर्यटक जयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो एक तरफ शोपिया में पूर्व सरपंच की हत्या की गई, दूसरी तरफ अनंतनाग की बात करें तो दो पर्यटकों को आतंकियों ने निशाने पर बनाया और साथ ही दोनों की हालत जो है काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल दोनों का अस्पताल में इलाज जा रही है और दोनों पर्यटक जो है वो जयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि दोनों घूमने के लिए यहां पर पहुंचे थे। तो शोपिया और अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा यह कश्मीर को अस्थिर और अशांत करने की साजिश है। तो जिस तरीके से हमला हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी का बयान सामने आया है। कविंद्र गुप्ता की तरफ से कहा गया आतंकी घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और साथ ही जो लोग पाकिस्तान का साथ देते हैं पाकिस्तान के बाद की वकालत करने वालों पर भी उन्होंने निशाना साधा। क्या कुछ कहा सुनिए। एक दुर्घटना है, खास करके इलेक्शन के आसपास और उसके दौरान इस प्रकार का प्रयास किया गया है कि लोगों को मतदान करने में वादा डाली जाए, वहां पर इस प्रकार की लोगों में दहशत फैलाई जाए। जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक बात है कि दुख होता है, और खास करके जानबूझ करके जो व्यक्ति किस पार्टी से जुड़ा है क्या है उसका, तो उसी कारण से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है।